हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल मंत्र में। आज बात करेंगे एक नई वैकेंसी जो सीजी व्यापम के द्वारा निकाली गई है छत्तीसगढ़ में, जो है सिविल फील्ड से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है सिविल के स्टूडेंट्स के लिए, तो चलिए इस पर बात करते हैं। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखिएगा वीडियो समझने के लिए। तो जो वैकेंसी है ये है सीधी भर्ती की, वह है ठीक है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की वैकेंसी है ये। ठीक है, तो देख लेते हैं जो पद हैं, कौन कौन से पद निकाले गए हैं उसके द्वारा। ठीक है, तो पहला जो पद है वो है सहायक मानचित्रकार का। ठीक है, सहायक मानचित्रकार का पद है, चार पद निकाले गए हैं सहायक मानचित्रकार के, और इसमें अनुरेखक के, मतलब इसका मतलब ट्रेसर, ट्रेसर के 10 पद निकाले गए हैं। और इसके हम देख लेते हैं कि इसके लिए न्यूनतम जो शैक्षणिक अर्हता क्या क्या है। तो सहायक मानचित्रकार के लिए लिखा गया है 10+2 होना चाहिए, ठीक है, अथवा हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा, ठीक है, अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ड्राफ्टमैन ट्रेड का प्रमाण पत्र कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है। ठीक है, इसके लिए मतलब डिप्लोमा जरूरी है आपको इस पद के लिए, सहायक मानचित्रकार के लिए। और इसमें जो पदों का जो वर्गीकरण किया गया है, ये आप देख लीजिएगा कि अनारक्षित के इसमें जो 2 पद अनारक्षित के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 1 हैं, अनुसूचित जाति के 1 हैं उसमें नहीं है पद, और जनजाति के 1 पद हैं। इस तरीके का आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं अनुरेखक द ट्रेसर, ट्रेसर के लिए ITI वो कहा गया है, ITI ड्राफ्टमैन ट्रेड में, ठीक है, इसके लिए ITI का जिक्र किया गया है, और कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य रूप से दोनों में कहा गया है। ठीक है गाइस, तो इसका भी आप इसका वर्गीकरण दे सकते हैं अच्छे से, जो जो इसमें लिखा गया कितने कितने पद हैं, अनारक्षित के 4 पद हैं इसमें, अन्य पिछड़ा वर्ग का इसमें कोई पद नहीं है, अनुसूचित जाति के 3 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के 3 पद, इस तरीके से कुल इस पर 10 पद हैं जो निकाले गए हैं। ठीक है, इसके लिए इसका आप देख लेते हैं, परीक्षा तिथि देख लेते हैं कब है, इसका फॉर्म भरने का डेट हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान देंगे, जो परीक्षा की जो तिथि है वो है 23 अप्रैल को, ठीक है, 2019 को। तो जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो होगा वो हमारा होगा सहायक मानचित्रकार का परीक्षा होगा, और उसके बाद ट्रेसर का होगा सेकेंड हाफ में। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि दी गई है वो आज से स्टार्ट हो गई है, 19 फरवरी से ही। ठीक है, और जो अंतिम जो तिथि दी गई है वो 10 मार्च को अंतिम तिथि दी गई है, तो आप इसका डेट को हमेशा याद रखेंगे, लास्ट डेट कब है, तो उसके पहले आप फॉर्म भर देंगे। और जो एग्ज़ाम सेंटर दुर्ग एवं रायपुर, केवल 2 जगह पे इसका एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है। ठीक है, तो ये सामान्य से जानकारी थी। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके पहले जो सहायक मानचित्रकार की जो परीक्षा हुई थी 2018 में, जिस पर स्टे लग गया होगा, सभी को पता होगा, तो उस पर भी यही चर्चा थी कि उसमें सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, तो इसी बात पे केस चल रहा है जो स्टे लगा हुआ है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि अभी तक व्यापम ने इसे कंफर्म ही नहीं किया है अच्छे तरीके से, तो इसलिए इसमें थोड़ा संशय बना हुआ है, कहीं पर ऐसा लिखा नहीं गया है कि सिविल इंजीनियरिंग जो डिग्री वाले हैं वो एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पर मिनिमम लिखा गया है कि 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा अगर आप एग्ज़ाम दिलाएँ ज़रूर, क्योंकि कंफर्म नहीं है अभी कि सिविल इंजीनियरिंग के जो डिग्री वाले स्टूडेंट हैं वो अलाउ हैं कि नहीं इस पर, तो आप ज़रूर इसका फॉर्म भर के एग्ज़ाम जरूर एग्ज़ाम में बैठें आप, कि बाद में चेंज हो सकता है, स्टे लगा हुआ है, तो इसलिए अभी ये चीज़ें क्लियर ही नहीं है अच्छे से। ठीक है, और तो ये तो बात हो गई इसमें इस फील्ड की, और इसी के समकक्ष एक और मतलब इसमें वैकेंसी, एक और वैकेंसी निकाली गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ उसको भी। ठीक है, ये जो है ये दूसरे विभाग की है। ठीक है, बात इसके करते हैं अब, ये है संचालनालय तथा नगर तथा ग्राम निवेश। ठीक है, इस विभाग की वैकेंसी है ये भी सीधी भर्ती है, और इसमें जो पद निकाले गए हैं वरिष्ठ मानचित्रकार के निकाले हैं। ठीक है, सहायक मानचित्रकार के 2 पद एवं ट्रेसर जो अनुरेखा इसको बोलते हैं, इसमें 10 पद निकाले गए हैं। ठीक है, ये अलग से वैकेंसी, वो वैकेंसी थी ही, साथ में ये भी निकाली गई हैं।
अब इसकी बात करते हैं, शैक्षणिक अर्हता देख लेते हैं। वरिष्ठ मानचित्रकार के लिए आयु सीमा 20 से 35 वर्ष दिया गया है, ठीक है। इसमें जो लिखा गया है इसका देख लेते हैं, जो शैक्षणिक अर्हता दिया गया है, ठीक है, मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर या उसके समकक्ष, ठीक है, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर होना चाहिए या समकक्ष होना चाहिए, और 2 साल का अनुभव जरूरी है, ठीक है, या फिर सिविल मानचित्रकारिता में प्रमाण पत्र जरूरी है, और सहायक मानचित्रकार के रूप में 4 वर्ष का अनुभव, ठीक है, ये जरूरी है इस पद के लिए, वरिष्ठ मानचित्रकार के लिए। और सहायक मानचित्रकार की बात करते हैं तो वायु सीमा इसमें भी 20 से 35 वर्ष है, ठीक है। मान्यता प्राप्त संस्था से मानचित्रकार पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या आर्किटेक्चर या वास्तुकला जिसको बोलते हैं, इसमें डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। अनुरेखा में देखते हैं अब, तो इसमें लिखा 10+2 सर्टिफिकेट परीक्षा या उसके समकक्ष, ठीक है, या फिर वही ड्राइंग में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई इसकी बात, और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, यहाँ पर भी कहीं पर भी स्पष्ट तरीके से नहीं लिखा गया है कि जो डिग्री वाले सिविल के स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल नहीं हैं। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, इसी कारण से पिछली वाली जो पोस्टिंग होनी थी उसमें स्टे लगा हुआ है, इन्हीं कारणों से। तो आप फॉर्म ज़रूर भरिए भरिए, मेरे हिसाब से तो, कि पता नहीं कि इसका अगर एलिजिबल कर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों की जो विभाग की परीक्षाएं एक ही तिथि पे होंगी, जिसके मैंने अभी इसके पहले बात की थी हमने जो एग्ज़ाम डेट की, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं दिया गया है, इतना ही था। तो अगर आपको कुछ डाउट होगा इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।